हेलो गाइस, फैक्ट अबाउट निधिवन, वृंदावन का रहस्यमय निधिवन और इसकी लोकप्रिय कहानी आइए जानते हैं इस वीडियो में। कृष्ण की भूमि वृंदावन में निधिवन एक रहस्य से भरी जगह है। भक्तों और स्थानीय लोगों की मानो तो न केवल भगवान कृष्ण इस स्थान पर आते हैं, बल्कि वह हर रात यहां अपनी रासलीला भी आयोजित करते हैं। यही कारण है कि शाम 7 बजे संध्या आरती के बाद निधिवन के दरवाजे भक्तों के साथ साथ पुजारियों के लिए भी बंद हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि दिन भर यहाँ दिखने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही यहाँ से चले जाते हैं। निश्चित रूप से निधिवन के बारे में कुछ ऐसा है जो अभी भी सामने आना और समझना बाकी है। चूँकि शाम की आरती के बाद परिसर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वास्तविकता के रूबरू होने में काफी समय लग सकता है। इसलिए जब तक यह पहेली पूरी तरह से सुलझ नहीं जाती, हमें इन तथ्यों से अपनी प्यास बुझानी होगी। तो फैक्ट नंबर 1, निधि वन के अंदर एक महल है जिसे रंग महल कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ हर रात भगवान कृष्ण के लिए चंदन से बना बिस्तर तैयार किया जाता है। सिरहाने पर पानी से भरा एक घड़ा, एक नीम का दातुन दांत साफ करने के लिए और पान सुपारी के साथ पान का पत्ता रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह दरवाजे खुलते ही बिस्तर ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई सोया हो, जबकि लोटे में रखा पानी भी पिया हुआ दिखता है और पान और नीम का दातुन भी। फैक्ट नंबर 2, ऐसी घटनाएं हुए है कि निधिवन का परिसर भी शाम को खाली कर दिया गया है। कुछ ने थोड़ी दूर जाकर रहस्यमय रासलीला देखने के लिए छिपे रहने का फैसला किया है। दुर्भाग्य से जिन लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, उन्होंने अपनी दृष्टि वाणी या इससे भी बदतर मानसिक सुदृढ़ता खो दी है। फैक्ट नंबर 3, निधिवन में पाए जाने वाले पेड़ अलग अलग तरह के होते हैं। ये पेड़ अधिकतर ऊंचाइयों में छोटे और उलझे हुए तने वाले होते हैं। परिसर में पाए जाने वाले तुलसी के पौधे भी जोड़ों में हैं। आस्थावानों का कहना है कि ये पेड़ रात में गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं और रासलीला में भाग लेते हैं। पौ हटते ही वे पुनः वृक्षों में परिवर्तन हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ के तुलसी के पौधे के हिस्से को भी सफलतापूर्वक घर नहीं ले जा सका है। जिन लोगों ने प्रयास भी किया, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। फैक्ट नंबर 4, हालांकि निधिवन के आसपास बने घरों से इलाके का नजारा दिखता है, लेकिन कोई ऐसा करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कहा जाता है जो लोग रात 8 बजे के बाद बगीचे में झांकने का प्रयास करते हैं, वो भी अपना मानसिक संतुलन या दृष्टि खो देते थे। इसलिए कई लोगों ने अपनी खिड़कियां को ईंटों से बंद कर दिया है और जिनकी खिड़कियां खुली है वो भी शाम की आरती की घंटी बजने के बाद उन्हें बंद कर देते हैं। सचमुच निधिवन एक रहस्यमय जगह है जो दुनिया भर के सभी प्रकार के यात्रियों का ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि इस जगह के बारे में और अधिक जानना असंभव लगता है, फिर भी यह एक ऐसा गंतव्य है जो और अधिक अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा है। गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस करो, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप ही से मोटिवेट होकर अक्सर बनाते रहते हैं। तब तक के लिए सेफ रहो, सतर्क रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, हरे कृष्णा।